चाकू से प्राणघातक हमला करने वाले 5 अज्ञात आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार किए गए आरोपी चाकूबाजी की घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस के द्वारा लगातार पतासाजी करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद आज पुलिस ने पत्रकार वार्ता में पूरी घटना की विस्तृत जानकारी दी। घटना में प्रयुक्त चाकू व मोटरसाइकिलें भी जब्त करते हुए पकड़े गए 5 आरोपियों को आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। तो दिनांक 26/10/2020 को माता रानी का पर्व था और मात्र गाड़ी पे धक्का लगने पर के विवाद से हमारे ये 3 चाकूबाज संगम पटेल, सोनू बर्मन और विशाल ठाकुर ने जो कि क्षेत्रीय निवासी थे, शुभम पटेल, अभिषेक पटेल और समीम खान को उन्होंने चाकू से मारा और वहां से मौके से फरार हो गए। इनका सकल सूरत मतलब कोई नहीं देख पाया, कोई जान नहीं पाया, लेकिन किसी तरह हमने PSTN डाटा कलेक्ट किया और वहाँ के जो CCTV कैमरे थे वो हमने इकट्ठा किया। इसके बाद इनकी सकल सूरत आई और नाम पता मालूम किया कि ये आपके सामने हैं। और दूसरी घटना है कल रात की ही है, कल रात की गढ़ा पड़ोबा रोड की है। एक फुल्की वाला बेचारा सूरज केशवानी रास्ते से जा रहा था, ये रास्ते में चाट वाले को रुकवाया वहाँ पे कि आप रुकिए, और जब उसने मना किया कि मैं आपको फ्री में फुल्की नहीं दूंगा, तो इन लोगों ने तीन आरोपियों के नाम है भीम पटेल, राजा यादव और शिवचरण पंजाबी, इन तीनों ने इसको चाकू से मारा और ये 3 आपके पीछे खड़े हुए हैं और हमने भी इनके ऊपर मामला पंजीबद्ध कर लिया है और ये न्यायिक हिरासत में।